कसराबाद में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत सूफी वजीर कुतुब आफ्ताब रहमतुल्ला अलैह नक्शबंदी के 127वें उर्स का आयोजन किया गया। साथ ही दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाकर देश में अमन शांति की दुआएं मांगी गई। रविवार की रात्रि 11 बजे से दरगाह प्रांगण में कव्वाली का शानदार मुकाबला प्रारंभ हुआ। इसमें कव्वाल जुनैद सुल्तान और कव्वाल रेहाना चिश्ती के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कव्वाल जुनैद सुल्तान और कव्वाला रेहान चिश्ती के कलाम को सुनने महेश्वर खरगोन मंडलेश्वर से लोग पहुँचे। विधायक सचिन यादव ने दरगाह पहुंचकर दुआ मांगकर कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर वर्ष भाईचारे का प्रतीक हजरत सूफी बाबा उर्स मेला ऐसे ही चलता रहे। यादव ने कहा, यह उर्स हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, मेरे क्षेत्र में अमन शांति कायम रहने की दुआ भी की। सूफी बाबा उर्स कमेटी के सदस्यों द्वारा अतिथियों का साफा व पुष्प माला पहना कर सम्मान किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जो प्रतिवर्ष हम लोग कव्वाली का आयोजन करते थे वो किसी कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो आज लोगों में भारी उत्सुकता है और हमारे बीच में दो मशहूर कव्वाल यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अपने तमाम साथियों की तरफ उम्मीद हम लोग सब लोग करते हैं कि हमारे जो हमारा हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये गंगा जमुना तहजीब हमेशा यूं ही बरकरार रहे और यही इसी प्रकार से हमारा आपका प्यार स्नेह हमारी मोहब्बत इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, यही अल्लाह ताला से हम सभी गुजारिश करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। दुश्मन बोला, बातिल बोला, यजीद बोला, दुश्मन बोला, अरे किसके तुम हो? बातिल बोला, अरे बातिल बोला, किसके तुम हो? हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।